हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 21 नवंबर 2019 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप से मिल जाएगी, जहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, और ऐप पर आप करंट अफेयर का टेस्ट जरूर लगाया करो। माफ़ी चाहता हूँ, आज कुछ व्यस्तताओं के कारण और सारी रात काम करने के बाद भी आपको ये वीडियो समय पर नहीं मिल पाया, थोड़ा सा लेट मिल रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा थॉट है कि सफलता संघर्ष मांगती है। संघर्ष बहुत जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी फील्ड में लाइफ में सफल होना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जैसे दुनिया में कोई नहीं करता हो। तब आपको वैसी सफलता मिलेगी जैसी दुनिया में किसी को भी ना मिली होगी। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, लगातार संकल्प लेकर के संघर्ष करते रहेंगे। कल के सवाल की बात करेंगे। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है, तो इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 102। अब वो देख लेते हैं तीन उत्तर जिन्होंने सही उत्तर दिया है, और आपने जिनको चुना है आज की वीडियो में कमेंट्स, जिन कमेंट्स को चुना है। पहला नाम है कंचन यादव, आपने दिए हैं 201 लाइक। उसके बाद दूसरे हैं विवेक पटेल 64 लाइक के साथ, और तीसरी हैं अंजलि लोधी, इनको दिए हैं 163 लाइक। तो लगातार आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। और जो चाहते हैं उनका कमेंट यहाँ पर आए, तो वीडियो के अंत तक देखें वीडियो को, और वीडियो में अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिविजन कल के पड़ेंगे करंट फिर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि किसने जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है, और यह पारित किया गया है राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा ने इसको पहले ही पारित कर दिया था। दूसरा प्रश्न, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, भारत 2019 में प्रतिभा रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है, तो भारत 6 स्थान खिसककर 59वें स्थान पर आ गया है। चौथा प्रश्न है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष पहली विदेशी यात्रा पर 29 नवंबर को किस देश जाएंगे, तो ये भारत आने वाले हैं। और पांचवा प्रश्न है कि नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा टाइटन की पहली ग्लोबल जियोलॉजिकल मैपिंग पूरी की है, और ये की है शनि का ये ग्रह उपग्रह है। वहीं छठवां प्रश्न है कि 9.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये कंपनी बन गई है रिलायंस। और सातवां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित किया जाएगा डेविड एटनबरो को। आठवां प्रश्न है कि किस सरकार ने विदेश सहयोग का नया विभाग बनाने का निर्णय लिया है, और ये निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। वहीं नवा प्रश्न है कि किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में उत्तरी क्षेत्र में पहला स्थान मिला है, तो ये पहला स्थान भी हरियाणा को ही मिला है। दसवां प्रश्न है कि टाइफाइड से निपटने वाली टीके की खोज करने वाला देश कौन सा बन गया है, और ये देश बना है पाकिस्तान। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्न की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो ये शुरुआत हुई है गोवा में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो गोवा के अंदर 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसकी शुरुआत हुई। और यहाँ पर एक बात और जानकारी दे दूँ कि 2002 से ये समारोह जो है लगातार गोवा में ही आयोजित होता आ रहा है, और इस अवसर पर जो अभिनेता रजनीकांत थे उनको आइकॉन ऑफ द जुबली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इफ्फी, इसको कहा जाता है इफ्फी, IFFI, इसके 50वें संस्करण के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। बात होगी गोवा की, जहां पर इसका आयोजन किया गया, तो मैप में देख लीजिए ये गोवा है, इधर महाराष्ट्र के साथ सीमा लगती है, इधर कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पणजी इसकी राजधानी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल यहाँ पर सत्यपाल मलिक है, कश्मीर में थे, अब यहाँ के बनाए गए हैं राज्यपाल। 2 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, और विधानसभा की 40 सीट है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूँगे तो मोललेम नेशनल पार्क है, इसके अलावा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि वैश्विक जैव भारत सम्मेलन कहाँ शुरू हो रहा है, तो वैश्विक जैव भारत सम्मेलन ये शुरू हो रहा है नई दिल्ली में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो आज यानी 21 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हो रहा है वैश्विक जैव भारत सम्मेलन, और ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो और इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 3 दिन तक ये चलेगा, 25 देश इसमें भाग लेंगे, और भारत के 15 से ज़्यादा राज्यों के 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी तीसरे प्रश्न की कि कब से सभी वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो ये तिथि है 1 दिसंबर से, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है,
तो जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। कौन है नितिन गडकरी? नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र आप याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इस मंत्रालय ने क्या किया है, सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर जो टोल प्लाजा होता है उसकी सभी लेनों पर 1 दिसंबर से फास्टैग लेन के रूप में उनको घोषित करने का आदेश दे दिया है कि वो अपने आप को फास्टैग बना लें, और 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग के लिए ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये फास्टैग क्या है? तो फास्टैग एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। एक प्रकार की चिप लगी होती है गाड़ी में, जब यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो क्या होता है, यहाँ से वो ऑटोमेटिक उसको कैच कर लेता है, और जैसे हमारी मोबाइल के अंदर बैलेंस होता है उसी प्रीपेड मोबाइल के अंदर बैलेंस होता है, उसी प्रकार से बैलेंस उस चिप में होता है। आपको पहले से रिचार्ज करवाना पड़ता है और आपको फिर यहाँ पर रुककर पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सीधे जा सकते हैं, वो पैसा अपने आप कट जाता है। तो ये होता है फास्टैग, इसको 1 दिसंबर से अनिवार्य बनाया जा रहा है। बात होगी चौथे प्रश्न की कि श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो आज शपथ लेने वाले हैं महिंदा राजपक्षे। याद रखिएगा ये महिंदा है, महिंद्रा नहीं है, कई बार ये गलत प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। श्रीलंका में जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं महिंदा राजपक्षे, वो 20 नवंबर को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 21 नवंबर को लेंगे, सॉरी यहाँ पर ये गलत डेट आ गई है, 21 नवंबर को ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो अभी तक के प्रधानमंत्री थे रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है, वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद ये शपथ ले लेंगे। और ये जो महिंदा राजपक्षे हैं, ये नए राष्ट्रपति जो बने हैं गोताबाय राजपक्षे, उनके बड़े भाई यानी कि दोनों भाई मिलकर अब देश को चलाने वाले हैं। बात श्रीलंका की करेंगे, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, यहां की जो जयवर्धनापुर कोट्टे है यहां की राजधानी है, कोलंबो के अंदर स्थित है ये जगह। और राष्ट्रपति बन गए हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, पहले थे ये बन गए हैं गोताबाया राजपक्षे, और ये पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आने वाले हैं 29 नवंबर को। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया होता है और 1 इंडियन रुपीज़ में 2.3 श्रीलंकाई रुपया होते हैं। मैप में मैं आपको अब श्रीलंका लेके चलूँगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो मूव करना होगा नीचे की तरफ। नीचे आप देखेंगे तो ये जो ऑरेंज कलर का देश दिखाई दे रहा है, यही श्रीलंका है, जिसकी राजधानी यहाँ पर कोलंबो में श्री जयवर्धनापुर कोट्टे है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू मध्य है, इधर पाक की खाड़ी है, नीचे मन्नार की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पांचवा है कि सड़क हादसों के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, जहां पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसे 2018 में हुए हैं, और इसमें पहले नंबर पर तमिलनाडु है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उस मंत्रालय के द्वारा 19 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी की गई है भारत में सड़क दुर्घटना 2018 के नाम से, और इसमें बताया गया है कि 2017 के मुकाबले 2018 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.46% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जो मृत्यु होती है उस मृत्यु दर में भी 2.37% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मृत्युओं, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं कहाँ पर हुई, तो 2018 में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई, यानी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ मरे, तो ये उत्तर प्रदेश में मरे। बात होगी तमिलनाडु की, जहाँ पर ये जहाँ की रिपोर्ट के बारे में ये बात आई है। तो तमिलनाडु देख लीजिए मैप में, ये तमिलनाडु है, इधर इसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश के साथ में, इधर कर्नाटक के साथ में, इधर केरल के साथ में, जबकि इधर तो अरब सागर लगी, बंगाल की खाड़ी लगी जाती है। बात करेंगे हम इसकी राजधानी की, तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, विधानसभा की 235 सीटें हैं, और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए आप तो मुदुमलाई नेशनल पार्क है, गोइंदू नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल पार्क है। इसके अलावा इंदिरा गांधी WH नेशनल पार्क और मुकुरथी नेशनल पार्क है। यहाँ के प्रमुख बांधों की बात कर लें तो कल्लानी बांध यहाँ पर है, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी छठवें प्रश्न की कि सेना की पहली महिला जज कौन बन गई हैं। तो सेना की जो पहली महिला जज बन गई हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल है ज्योति शर्मा, ये बन गई हैं विदेशी मिशन के तहत तैनात होने वाली भारत की पहली महिला जज, और ये वहाँ पर एडवोकेट जनरल अधिकारी के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है।
वहाँ पर कानूनी विशेषज्ञ के रूप में अपनी ये सेवाएं देंगी और इनकी सेवा होंगी अफ्रीकी देश सेशेल्स वहाँ की सरकार में सेवारत रहेंगी। बात होगी अगले प्रश्न की, जो कि सातवां प्रश्न है कि किस राज्य में सर्वाधिक महाविद्यालयों में वर्चुअल क्लास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इन्होंने माध्यमिक विद्यालयों को वर्चुअल कक्षाएं और स्कूल से जोड़ने की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और ये जो विद्यालय, कौन से विद्यालय विशेषकर, तो माध्यमिक विद्यालय, ये आपको याद रखना है। और इस जो तकनीक होगी इसका लाभ 500 माध्यमिक विद्यालयों को स्टार्टिंग में मिलने वाला है। बात आप उत्तराखंड की करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो इसकी सीमा इधर उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, इधर पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के साथ में लगती है, इधर चाइना के साथ में और इधर नेपाल के साथ ही अपनी सीमा को साझा करता है। राजधानी यहाँ की देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीट हैं। यहाँ की अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में बना था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और तब इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। उसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, राइट, और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है कि किस सरकार ने दुल्हनों को 1 तोला सोना देने की योजना को मंजूरी दी है और ये मंजूरी दी गई है असम सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो असम की सरकार ने वहां पर एक योजना चलाई हुई है जिसका नाम है अरुंधति स्कीम और इसके तहत दुल्हनों को 1 तोला सोना मुफ्त में देने की घोषणा की है और इस योजना का लाभ विवाह के समय विशेष विवाह असम नियम 1954 के तहत औपचारिक पंजीयन करवाया जाता है और उस पंजीयन के बाद कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है, लेकिन इसका लाभ केवल गरीब तबके को, कमजोर तबके को मिलता है जिनकी आय जो है वो साल भर में 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है। बात करेंगे असम की तो मैप में देख लीजिए, असम है, असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं भारत के, उनमें जाने के लिए आपको असम से होकर ही गुजरना पड़ता है, डायरेक्ट किसी और राज्य में एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। आसपास कौन कौन से राज्य हैं, तो ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ। और इधर आप देखेंगे तो ये अपनी सीमा को साझा करता है भूटान के साथ में, राइट, इधर बांग्लादेश के साथ में। अब बात कर लेंगे हम इसकी गठन की, तो 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था, जिसकी राजधानी देसपुर है और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल यहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 126 सीट हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कांजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साईखोबा नेशनल पार्क है और औरंग नेशनल पार्क है। कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विशेषकर एक सींग वाले गेंडों के लिए बहुत फेमस है, राइट। आगे बढ़ेंगे। बात होगी नवे प्रश्न की कि जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसके जो अगले अध्यक्ष बनाए गए हैं, सुधीर मित्तल बनाए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं सुनील मित्तल साहब और ये आईएएस अधिकारी हैं, इनको बनाया गया है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी GFI का अध्यक्ष। उसके अलावा शांति कुमार सिंह, इनको बनाया गया महासचिव के रूप में चुना गया है। जो सुनील मित्तल साहब हैं वो पंजाब कैडर के IAS अधिकारी हैं और शांति कुमार जो हैं मणिपुर के राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 10वां प्रश्न होगा कि किस देश ने फीफा U17 विश्व कप अंडर 17 विश्व कप जीता है और ये विश्व कप जीता है ब्राज़ील ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। किसको हराया, तो मैक्सिको को हराया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ब्राज़ील की जो फुटबॉल टीम है उसने ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया वहाँ पर आयोजित हुआ था अंडर 17 फीफा विश्व कप और इस विश्व कप के 18वें संस्करण के फाइनल में मैक्सिको को हराया 2-1 से हराने के बाद, यहाँ पर जो है अपने खिताब पर प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ब्राज़ीलिया में अभी हाल ही में एक बैठक संपन्न हुई है, ये संपन्न हुई है ब्रिक्स देशों की, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अंडर 17 महिला फीमेल ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2020 के अंदर, ये भारत में होने वाला है, तो ये भी आप इससे संबंधित थे वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत की जो फुटबॉल टीम है वो फीफा क्वालिफायर, जो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड चल रहे थे, उनमें बाहर हो गई है।
अब बात होगी आज के सवाल की। हमारा वीडियो यहीं तक था। आज का सवाल जिसका उत्तर कमेंट में देना है कि व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान क्या है, तो परीक्षा उपयोगी आंसर ही आप दीजिएगा नीचे। और हाँ, जिनका उत्तर आपको पसंद आता है तो वो लाइक जरूर किया करो यार। ये था आज का हमारा वीडियो। अब फन फैक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। फन फैक्ट है कि मिस्र का सबसे मशहूर जो पिरामिड है वो गीज़ा पिरामिड है, और ये अपने बनने के 3871 साल तक दुनिया की सबसे ऊँची इमारत रही थी। अभी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है, तो ये बुर्ज खलीफा है। तो आप देख सके होंगे कि 3,000, 3,500 या 4,000 साल पहले आज से कैसे इसको बनाया गया होगा, क्या तकनीकी यूज़ की गई होगी कि इसका निर्माण संभव हो पाया। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।